Looking at the situation when we find that the client is not a good fit and what can we do as a therapist to terminate the therapy. Termination of a therapy when the therapist is not a good fit. Sometimes a therapist is just not a good fit for a client according to their problems. Client ko yeh lagta hai ki mere problems ke accordingly ye therapist ek achi option nahi hai. इन अ रीसेंट एंड मॉडर्न वर्ल्ड वी सी दैट एवरी थेरेपिस्ट इज़ नॉट गोइंग टू सी एवरी पेशेंट जैसे कि हम मेडिकल की फील्ड में देखते हैं कि एक स्पेशलिस्ट जो है वो किसी दूसरी प्रॉब्लम को ट्रीट नहीं करता वो सिर्फ अपनी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में आने वाली प्रॉब्लम्स को डील करता एक स्किन स्पेशलिस्ट जो है वो कभी हार्ट की प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करता इसी तरह एक लिवर का स्पेशलिस्ट जो है वो आपकी आ, किसी भी और बॉडी पार्ट के इश्यूज़ के बारे में आपको गाइड नहीं करता कि वो आपकी आइस का ट्रीटमेंट करना शुरू करें इसी तरह जो साइकोलॉजिस्ट हैं इनके भी अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन होते हैं एंड दे कैन बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द एज अकॉर्डिंग टू द चेंडर अकॉर्डिंग टू मैनी अदर रीजनस जैसे कि डिफरेंट डी एस एम के अकॉर्डिंग डिफरेंट एरियाज हैं डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं तो हर एक की स्पेशलाइजेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है मे बी एक इंडिविजुअल बहुत अच्छा थेरेपिस्ट हो जो कि ईटिंग डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकता हो लेकिन वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी को मे बी डील अच्छा नहीं कर सकता हो कोई सी का एक्सपर्ट हो कोई हिपनोसिस को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हो या इसी तरह और बहुत सारी डिफरेंसेस जो हैं वो ट्रीटमेंट मोडालिटी के अंदर और डिफरेंट uh, तरह के डायग्नोसिस को एड्रेस करने के हवाले से हो सकती हैं तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने में मिल सकता है कि क्लाइंट को लगे कि मुझे ये थेरेपिस्ट सूट नहीं कर करा थेरेपिस में बिकम अ लेस गुड फिट एज क्लाइंट्स नीड्स चेंज विद टाइम समटाइम्स एक इंडिविजुअल को कोई एक सकेट्री यूनर डायग्नोसिस दे देता है कि ये क्लाइंट जो है इसको डिप्रेशन है और वो उसका ट्रीटमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर से कराने लग जाता है वो थेरेपिस्ट के पास डायग्नोसिस देकर आता है और वो इनिशियली एक अच्छा थेरेपिस्ट होता है क्योंकि वो डिप्रेशन के केसेस को देखता है अब डिप्रेशन के केसेिस को जब वो एज अ डिप्रेशन का केस लेता है और उसे देखना शुरू करता है मीनवाल उसे पता चलता है कि इसको तो डिप्रेशन नहीं है उसको तो कोई और डिसऑर्डर है और वो आइडेंटिफाई करता है कि उसको लेट्स से उसको एक इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है या उसको कोई पर्सनालिटी का प्रॉब्लम है तो वहाँ पर शायद उसकी एक्सपर्टीज या उसकी स्पेशलाइजेशन वोंट वर्क और उसको कहीं और उसको रेफर करना पड़े या उस थेरेपी को टर्मिनेट करना पड़े फॉर एग्जाम्पल अ क्लाइंट हु ओरिजनली सूथ हेल्प फ्राम एनी पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन ईटिंग डिसऑर्डर मे नीड अ डिफरेंट थेरेपिस्ट वेन द डिसऑर्डर इज इन रिमिशन ये भी हो सकता है कि आपने एक प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट लिया जब वो प्रॉब्लम खत्म हो गया एंड फर्दर यू वॉन्ट कि अब आप अपनी वर्क प्लेस इशूज के ऊपर काम करना चाह रहे हैं अपनी एग्जाइटीज पे काम करना चाह रहे हैं आप अपनी आप माइंडफुलनेस बढ़ाना चाह रहे हैं तो वहां पर प्रॉबेबली यू नीड टू सी सम अदर पर्सन रदर दैन गोइंग विद द सेम थेरेपिस्ट टू टर्मिनेट द रिलेशनशिप इन सच सिचुएशन एक्सप्लेन दैट टू द्लाइंट दैट योर जॉब हैज बीन डन और अब उनको फर्दर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं दैट मे नॉट बी एग्जैक्टली मेट बाय द सेम पर्सन एंड यू नीड टू गो एंड सी समू अ थे फिट हमें यह चीज़ जहन में रखनी बहुत ज़रूरी है कि जो प्रॉब्लम है उसका जो एक्सपर्ट है उसके साथ हम कनेक्ट करवा दें अपने क्लाइंट को बिकॉज दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट प्रॉपर कंसल्टेड बी गिवन रादर देन कि एक क्लाइंट जो है वो बेचारा खुद ढूंढता फिर है कि मुझे अपने इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा इंडिविजुअल मिलेगा तो आप चूंकि एक थेरेपिस्ट को रज्यूम करते हैं कि वो एक बेटर रिसोर्स फुल पर्सन है तो ये उसकी एथिकल जिम्मेदारी है कि वो अपने क्लाइंट को गाइड करे कि वो कहाँ से हेल्प सीख कर सकता है गिव द क्लाइंट स्पेस टू प्रोसेस देयर फीलिंग्स अगर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे अगर आप उन्हें इतना मौका ही नहीं देंगे कि वो अपने बारे में बात कर सकें तो दैट वुड बी वेरी अनहेल्दी एंड अनजस्ट सम क्लाइंट्स विल फील रिजेक्टेड परटिकुलरली इफ द फेल्ड थेरेपी वॉज गोइंग वेल खास क्लाइंट को ये बात समझ नहीं आती है कि ऑब्जेक्टिवज़ अचीव हो चुके हैं या उनका काम हो चुका है और वो खुश होते हैं थेरेपी लेते हुए वो अच्छा फील कर रहे होते हैं पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं तो वो बहुत रिजेक्शन की फीलिंग का मुजाहरा करते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि ये थेरेपी अब ख़त्म होने जा रही है एट टाइम्स हम बच्चों में देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंटीमेसी डिवेलप कर लेते हैं विद अ थेरेपिस्ट इफ़ द थेरेपी इज गोइंग वेल और जब उन्हें ये पता लगता है कि थेरेपी जो है वो टर्मिनेट होने जा रही है तो वहाँ पर उनको सर्टन इशूज का सामना करना पड़ता है इसकी भी हम आगे चल कर बात करेंगे टर्मिनेशन ऑफ थेरेपी कुड ऑल्सो हैपन वन अचुएशन अराइसीड दैट दे कुटिवली अफेक्ट द थेरेपिस्ट जजमेंट और ऑबजेक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल वन एन इन अप्रोप्रिएट सेकेंडरी रिलेशनशिप फॉर्म्स बिटवीन थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट समटाइम्स थेरेपिस फील that there is an emerging relationship between the therapist and a the client because of any reason. vahaparbi therapist ko therapy terminate therapist's personal beliefs, values and attributes may limit their ability to treat certain type of clients. this is something very understandable. at times, uh, we all have uh, different kind of abilities, personality types, आइडियाज एंड वी हैव डिफरेंट यू नो माइंड सेट जिसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट्स जो हैं उनको डील करना डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज दे आर नॉट अलाइन विद योर थाट्स दे शुड स्ट्राइव फॉर अवेयरनेस ऑफ सच करेक्ट्रिस्टिक्स एंड लिमिट देयर प्रैक्टिस अप्रोपरेटली तो सबसे पहले थेरेपिस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी इन वीकनेसिस पर काम करे क्योंकि एक क्लाइंट के साथ तो आपने थेरेपी टर्मिनेट कर ली बिकॉज यू आर नॉट एक्सपर्ट इन डीलिंग विद समन

तो so, ऐसी सिचुएशंस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कॉन्फ्लिक्स पर पहले काम करें और उसके बाद आप अपने क्लाइंट्स के साथ काम करें तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सनारी